हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरी सोजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। आप स्टेटमेंट में जानते हैं आप क्या होता है, आपका कोड ऑफ लाइंस ऑफ इफ स्टेटमेंट का था आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। यदि मान बाई चांस मान के चलो आप एक पैराग्राफ है, आप उसमें से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लाइन्स को ही प्रिंट करवाना चाहते हैं आपका, तो आपका स्टेटमेंट काम आता है। लेकिन नॉर्मली आप अपने स्टेटमेंट इस तरह से यूज नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से अपन यूज करेंगे स्टेटमेंट वो आप देखिए। सपोज करो जैसे मैंने कहा आपसे कि वो बनता है ना एलिजिबल है आपका वोटिंग के लिए, उसकी एज है ना 18 से अबव है आपका, तो वोट देने के लिए एलिजिबल है, और 18 वे तो भी एलिजिबल है आपका। हाँ, जैसे ना उसकी एज है ना कम है आपकी 18 से, तो एज के लिए एलिजिबल नहीं है आपका। कुछ इसका प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, बना के देखिए। सबसे पहले प्रोग्राम से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ कंडीशन क्या होती है। देखो इफ कंडीशन ये आती है, यहाँ पे आता है सेशन कंडीशन का आपका, और यहाँ पे इफ आपका कीवर्ड होता है आपका, ठीक है। और इसके अंदर कोड होता है आपका, ये कोड जब रन होगा आपका तब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपका। सपोज करो कैसे, मान के चलो मैंने एज के अंदर इनपुट दिया आपका एंटर योर एज, जो कि एंट्री में कास्टिंग होगी इसकी। यहाँ पे एज कितनी आई आपके, मान लो मैंने टाइप किया आपकी 16, तो 16 आपका ना इक्वल बड़ा हो सकता है आपका किससे। मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, देखो स्टार्टिंग में 17 लिख रहा हूँ आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज आपकी 17 से अबव है, यानी कि 16 का आपने 17 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं है, तो आपका ये आउटपुट प्रिंट ही नहीं होगा। देखिए आप, मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पाइथन सैंपल 2 मैंने रन किया 17, तो आप देखिए कोई आउटपुट नहीं आया शो आपका। लेकिन जैसे ही मैं इसमें आपका कुछ ना कुछ वैल्यू देता हूँ आपका, कुछ इस तरह से जैसे मैंने कहा आपसे मैंने टाइप किया आपकी 19, तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, वोटिंग के लिए आप एलिजिबल हैं आपका। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल ग्रेटर एंड इक्वल करके, और यहाँ पर बट आपको 18 देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ आपका कि एज आपकी 18 और उससे बड़ी होगी तो ही आप एलिजिबल होंगे आपका। देखिए रन करके देखूँ मैं आपको, मैंने लिखा आपका 18 होगी तो ही 18 के बराबर या 18 से बड़ी। कैसे, अब 18 के बराबर कर दी, अब मैंने 18 से बड़ी जैसे 20 कर दी, तो अभी आप एलिजिबल वोटिंग आ रहा है। लेकिन जहां मैंने 11 करी है 17 करी, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा आपका। तो ये हो गया किसका आपका, कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है आपका। ओके, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप नेक्स्ट पास स्टेटमेंट। व्हाट इज मीन ऑफ पास स्टेटमेंट। सपोज करो कि अगर बंदे की जो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, मैंने आपसे कहा कि पास स्टेटमेंट, मैं तो पास स्टेटमेंट कुछ मॉडिफाई करना चाहूंगा कि एंटर पासवर्ड टू पास, मतलब पास यानी कि पास होने के, एंटर पासवर्ड टू गो जाने के लिए पासवर्ड आप डालिए, यानी कि एंटर पासवर्ड यानी कि टू लॉगिन डालता हूँ मैं, LOG लॉगिन। यदि आपका लॉगिन इक्वल हुआ आपका, जैसे मैंने बोला आपका लॉगिन यहाँ पर डाल रहे हैं आपको लॉगिन, ओके, और मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ आपका लॉगिन। तो देखो लॉगिन, लॉगिन नाम का एक वेरिएबल आया, अगर आपकी लॉगिन आईडी ग्रेटर यानी कि इक्वल, देखो मैंने आपसे कंडीशन लिखा, अगर आपकी लॉगिन आईडी इक्वल ये कंडीशन चेक करता है इक्वल, यदि आपकी लॉगिन आईडी इक्वल किसके पर इक्वल है आपका, मैंने बोला आपसे क्या 100 के इक्वल है, तो मैं आपको मैसेज दूंगा कि पासवर्ड मैच, पासवर्ड PASSWRD पासवर्ड MATCH। अभी सिंपल पासवर्ड मैच लिख रहा हूँ मैं आपका। इसका आउटपुट देखो, मैंने लॉगिन दिया 10, तो अभी कोई आउटपुट नहीं आया आपका, लेकिन मैंने जहाँ आपका 100 दिया आपका आउटपुट, तो आपका आउटपुट क्या है आपका पासवर्ड मैच आपका। लेकिन सपोज करो मैं मैसेज नहीं देना चाहता, मैं उसको पास करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं उसको जाने देना चाहता हूँ, यानी कि पास, मैं कुछ देना नहीं चाहता। और जब मैं कुछ नहीं देना चाहता आपका, तो एक एरर आएगा आपका, देखिए आया ना एरर, तो हम एरर से बचने के लिए हम पास डालते हैं, क्या डालते हैं पास स्टेटमेंट। हमको कुछ देना नहीं है उसको, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यानी कि उसने लॉगिन कर दिया साफ साफ, अपने पेज देना चाहते हैं, मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता, तो आप कोई मैसेज नहीं देना चाहते, उसके लिए आपका एक ब्लैंक स्टेटमेंट होता है, उसको बोलते हैं पास स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं पास स्टेटमेंट। तो वो बोलता है आपका, देखो अब रन हो गया प्रोग्राम, 100 दिया तो पास हो गया स्टेटमेंट, कोई आउटपुट नहीं आया आपका, ठीक है, क्लियर है आपका। मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि देखो जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं इसको इंट से हटाता हूँ आपका, और सिंपल आउटपुट मैं इस बार ये लूँगा, देखना कैसे 100 की जगह मैं आउटपुट देना चाहता हूँ इसके अंदर PWD। अगर बंदे ने PWD डाला तो पास हो जाए आपका। ये देखिए फिर से अगेन, मैं PWD दिया तो पास हो गया स्टेटमेंट, और मैं PWD नहीं डालूंगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपका। क्लियर आपका, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, ये सेशन समझ में आया हो, अगर पास स्टेटमेंट आपको क्लियर से समझ में नहीं आया, तो आप
ये सोचिए कि पास स्टेटमेंट सिर्फ एम आई यानी कि वैसे ही नॉर्मली यूज होता है आपका, नॉर्मली यूज। जैसे मान लो कि मेरे को अगर इफ स्टेटमेंट में कुछ नहीं डालना है आपका, कोई प्रिंट फंक्शन, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो आप सिंपल पास लिख लीजिए, यानी कि जी इसको स्किप कर जाएगा, ये इसको स्किप कर जाएगा आपका इस लॉग इन स्टेटमेंट को आपका। ओके फाइन, अब तो समझ में आ गया ना आपका। ओके अगले चैप्टर में आपको पास स्टेटमेंट का और बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से अगले अगले वीडियोस में आपका। तो इस वीडियो को देखते रहिए, बन लगातार देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, अगर पास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं आगे जरूर सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को कुछ एफ एल्स कंडीशन के साथ। ओके गुड।